ओम शांति। जो अभी मुरली पढ़ी तो ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ रही है कि बाबा ने बोला, शरीर को भी भूल, पूरा पवित्र बैगर बनना है, लाइन क्लियर रखनी है ना? तो मीनिंग इसका ये समझ में आया है कि बाबा का कहना है कि बच्ची, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, है ना? तो जीरो मैपन संकल्प से भी, तो फिर किसी संस्कार और संकल्प से मैपन नहीं, तो फिर मेरा कौन? सिर्फ एक बाबा। फिर बाबा से जो भी संकल्प लूंगी, उसके जैसे कल बाबा ने कहा था, बाबा के संस्कार, बाबा का नेचर, मेरा नेचर, तो वो आत्मा जो अपने उस 100% पवित्रता को जानती है, जैसे बाबा का नेचर है ना, बियॉन्ड ऑल हिज संस्कार्स, तो मुझ आत्मा का भी नेचर बियॉन्ड ऑल संस्कार्स, बाबा के संस्कार्स और बाबा के नेचर में कोई फर्क नहीं है। हमारे अंदर ड्रामा के लिए कई तरह के संस्कार हैं, राइट? तो अब सारे संस्कारों की बलि तो चढ़ा दी बाबा को कि मेरा एक भी नहीं है, है ना? बाबा ने कहा ना कल, मेरा नहीं करना किसी भी संस्कार को, जो बाबा का है वो ही तुम्हारा है, वो है पवित्र बैगर, है ना? जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं, तो उसमें 100% पवित्रता है, राइट? सिर्फ ये नहीं कि मेरे संस्कार ये नहीं है, मेरा सत्व प्रधान संस्कार है तमो रजो, और ये मेरे नहीं है सत्व प्रधान मेरे, नहीं ये भी नहीं, सिर्फ जो बाबा का है वो मेरा है, जो बाबा का नहीं वो मेरा नहीं, ये है 100%। पहले मैं खाली और फिर बाबा की हर चीज़ से मैं भरपूर, तो 100% पवित्र बैगर, है ना?